हाय एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट की कुछ एप्लीकेशंस की। देखिए, इसकी थ्योरी हमारे पास हो गई थी, ठीक है। हमने फ्रीजिंग पॉइंट की जो थ्योरी पोर्शन है आपका कंप्लीट कराया था, उसके बाद बात करेंगे एप्लीकेशंस की, और उसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी न्यूमेरिकल्स की। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली इम्पोर्टेंस, मतलब इसका यूज कहाँ होता है, सबसे पहली एप्लीकेशन होगी इसकी फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर, देखिए फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है। सिंपली फ्रीजिंग मिक्सचर होता है आइस प्लस साल्ट, सिंपल। और साल्ट हम यूज करते हैं यहाँ पर NaCl। जरूरी नहीं कि NaCl यूज करेंगे केवल, हम यहाँ पे CaCl2 भी यूज कर सकते हैं, कोई फोर साल्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या करते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है इसका, लगभग माइनस के 21 डिग्री सेल्सियस, और इसका बहुत ही कम होगा माइनस के 55 डिग्री सेल्सियस। क्यों, ध्यान दो, यो ये जो है यहाँ पे दो आयंस देगा, यहाँ पे तीन आयंस देगा, ठीक है। तो डिप्रेशन जो होगा इस सॉल्यूशन का, मतलब आइस प्लस CaCl2 का, वो और भी कम होगा, -21 डिग्री सेल्सियस, -55 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए, इनका यूज कहाँ होता है, सबसे पहले आइसक्रीम बनाने में। आइसक्रीम बनाने में कैसे, देखो लिक्विड आइसक्रीम क्या है, कोन में डाली जाती है, और कोन कहाँ डाला जाता है, कोन कहाँ रखा जाता है, फ्रीजिंग मिक्सचर में। फ्रीजिंग मिक्सचर में यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, जिससे क्या होगा, आइसक्रीम फ्रोज हो जाएगी। सबसे पहली बात, सबसे पहली एप्लीकेशन आइसक्रीम जमाने में, ठीक है। दूसरी, यहाँ पे सवाल अक्सर पूछा जाता है कि जो कोल्ड कंट्रीज होती है, जहाँ बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, वहां पर आइस के ऊपर NaCl को या सॉल्ट को स्कैटर किया जाता है, डाला जाता है साल्ट, आइस के ऊपर सॉल्ट को। ऐसा क्यों करा जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, देखिए अभी बताया आपको कि आइस प्लस सॉल्ट का जो मिक्सचर है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है बहुत ही कम है। इसको ऐसे समझिए, सपोज करो एक जगह, कोई भी एक जगह कोल्ड कंट्री में कहीं से -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, -21 -15 कह दो, फॉर एग्जाम्पल -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, ठीक है। तो अब जो है आपने वहां पे सॉल्ट को डाल दिया, आइस में मिल गया सॉल्ट, तो अब उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। कहने का मतलब ये है कि अब वो सॉल्यूशन जो बना है मेरे पास सॉल्ट प्लस आइस का, वो अब 21 डिग्री सेल्सियस पर जमेगा, 21 डिग्री सेल्सियस पर फ्रोज होगा, ठीक है। अब जो मेरे पास 10 डिग्री सेल्सियस था, इस पर तो क्या था, आइस, इस पर कैसा होगा वो, देखो -10 डिग्री सेल्सियस था, इस पर पहला बर्फ जमा हुआ था, हमने साल्ट डाल दिया, अब यहाँ पे क्या होगा, अब वो इतने पे जमेगा, और एनवायरमेंट का टेम्परेचर अब भी क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस। तो वो अब लिक्विड फॉर्म में होगा, मतलब वो जमेगा नहीं, तो हमें बर्फ से निजात मिल गई, बर्फ से छुटकारा हमें मिल गया। तो बर्फ को पिघलाने के लिए हम साल्ट डालते हैं, किस पर, आइस पर, ठीक है। एक और देखिए, जिसका नाम है आपका एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। इसका भी कुछ यही कॉन्सेप्ट है, ऐसे जैसे कोल्ड कंट्री में ऑटोमोबाइल्स में रेडिएटर में वाटर जम जाता है, ठीक है भाई, जमेगा ही, पक्की बात है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का, जमेगा वो, तो अगर 0 से कम हो गया तो वाटर पक्का जमेगा। तो इस मुसीबत से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर में इथाइलिन ग्लाइकोल मिला देते हैं। वाटर में क्या मिलाते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। अब वाटर प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल का जो मिक्सचर है, उसको बोलते हैं हम एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। ये भी वही काम करता है, ये क्या काम करता है, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम करता है, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम करता है, ठीक है। आपने एक एप्लीकेशन और सुनी होगी, या नहीं सुनी हो तो देख लीजिए, वोडका। वोडका में क्या होता है, लगभग 40% अल्कोहल होता है ना, 40% अल्कोहल होता है, और अब
ये वही काम, ये वो भी क्या है एक तरीके से, वो भी एंटी फ्रीज सॉल्यूशन ही, क्योंकि वहां पे क्या है वाटर प्लस एल्कोहल, वहां पे क्या है वाटर प्लस एथिल एल्कोहल है ना, तो वो भी एक तरीके से एंटी फ्रीज सॉल्यूशन ही है। अगर आपसे कोई पूछता है कि बहुत ज्यादा सर्दियों में बहुत कम टेम्परेचर पर भी जो समुद्र है वे क्यों नहीं फ्रोज होते, क्यों नहीं जमते, सिंपल सी बात है, समुद्र में क्या मिला है, सॉल्ट मिला हुआ है, तो उसका फ्रीजिंग जो पॉइंट है वो बहुत ही कम है। ठीक, एक और एप्लीकेशन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, कोल्ड कंट्रीज में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिंदा रहते हैं, कुछ माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं, क्यों, क्योंकि वे क्या प्रोड्यूस करते हैं, वे प्रोड्यूस करते हैं ग्लिसरोल, एक ग्लिसरीन ही है, ठीक है, ग्लिसरीन ही है, ग्लिसरोल या फिर सोर्बिटॉल, ठीक है, जिससे क्या बनाते हैं वे एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, क्या बनाते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, इससे क्या होगा उनके बॉडी के अंदर जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम हो जाएगा, तो जैसे अभी एक्सप्लेन किया हमने, ठीक है, तो वे जिंदा रहेंगे, सरवाइव कर जाएंगे बहुत कम टेम्परेचर पर भी। ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन से कुछ समुद्र वाली बताई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बताई, जो रोड वाली एग्जांपल है कि रोड पर हम सॉल्ट को क्यों स्कैटर करते हैं, वो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है आइसक्रीम जमाने में। ठीक है, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि CaCl2 जो है वो बहुत कम करेगा फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे कि लिखा भी है -55 डिग्री सेल्सियस। देखिए, हमने सोचा था कि इस वीडियो को छोटी रखेंगे, ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखें।